हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS फ्रांस T10 2024 के 48वें मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा बालबनीस वर्सेस CSPT स्केलर्स के बीच। मैच की टाइमिंग 5 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा। डेट 24 अप्रैल 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू है डायरेक्ट स्पोर्ट क्रिकेट क्लब डायरेक्ट में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 130 से लेके 140 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें सीजन में तो लगभग 46 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 27 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 18 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में सही से पता हो जाए। एक जो टीम है CSPT स्केलर्स का एक मैच हो चुका है जो एक मैच जीत के आई है, और दूसरी टीम का आज के दिन का पहला मैच होगा। दोनों टीमों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सी टीम मजबूत है और किसके अपने को लेने हैं प्लेयर और कौन से कैप्टन बनाना है, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। इसके अलावा नाइट में गयाना की T10 सीरीज स्टार्ट हुई है कल नाइट से, तो उसके भी हम वीडियो कवर करेंगे ताकि आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिल सके, ठीक है। पहले बात करते हैं इस मैच की, तो यह मैच है CSPT स्केलर्स वर्सेस बार्बलिंस के बीच, ठीक है। पहले बात करते हैं पहली टीम के CSPT की, जिसने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं, 4 मैच इनकी टीम जीती और 4 मैच इनकी टीम हारी है। आज का जो पहला मैच हुआ था वह मैच जीत के आई है, तो आज के मैच में क्या बैटिंग ऑर्डर था उसके हिसाब से हमने प्लेयर को सेट कर रखा है और कैसी परफॉर्मेंस करी वो भी हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। लास्ट मैच आज के दिन का खेला गया, इसका ओपनिंग करने आया था आकिब समसाद, जिसने 8 मैच में 152 रन बना 21 की एवरेज से। जो आज के दिन का पहला मैच था उसमें 0 पर आउट हो गया, तो ठीक प्लेयर है, भले पहला मैच में 0 पर आउट हो गया लेकिन आज अच्छी पारी खेल सकता है। इसके बाद है जाहिर हसन, जिसने 8 मैच में 144 रन बना 17 की एवरेज से, 14 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 8 विकेट लिए। यह आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देगा। पहले मैच में ये 25 रन की अच्छी पारी खेली, साथ ही एक विकेट भी लिया था 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए। साथ के साथ अपन टीम भी बनाते हुए चलते हैं ताकि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सही से जानकारी हो जाए। पहला प्लेयर आकिब समसाद को अपन ने सेलेक्ट कर लिया, दूसरा प्लेयर अपन करेंगे जैड हसन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वकास बसीर, जो भी इस मैच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैच में इसने भी कुछ खास पारी नहीं खेली, मात्र 15 रन पर आउट हो गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसका सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन 95% है। और दूसरा विकेट कीपर है, उसकी बैटिंग पोजीशन खूब नीचे है, बैटिंग के चांस कम रहते हैं, इसलिए अपन इसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देखें, 8 मैच में 148 रन 19 की एवरेज है, तो मस्ट पिक प्लेयर है, विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद है अमजद संधू, जो भी आज के मैच में 0 पर आउट हो गया, ओवर इस टूर्नामेंट में देखें तो इसने 8 मैच में 124 रन बना 17 की एवरेज है। फर्स्ट बल्लेबाजी पे अपन इस प्लेयर को ट्राई करेंगे, अगर सेकंड बल्लेबाजी होती है तो अपन इस टीम से इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद है उमर असगर, जिसने इस टूर्नामेंट के 8 मैच में 87 रन बनाए, 13 ओवर की गेंदबाजी करी, 8 विकेट लिए। यह एक इंपॉर्टेंट बॉलर है और आपको कंप्लीट 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा, विकेट टेकर गेंदबाज है, ठीक है, मस्ट पिक प्लेयर है। इसके बाद है जकलेन मुनावर, जिसने 8 मैच में 145 रन बनाए, 17 की एवरेज से, 6 ओवर की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए। बॉलिंग बहुत कम करवाता है लेकिन बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन इसको भी अपन फर्स्ट बल्लेबाजी में ट्राई करेंगे, सेकंड बल्लेबाजी में अपन ड्रॉप करेंगे। इसके बाद है शोएब बसीर, 6 मैच में 12 ओवर 7 विकेट और 47 रन बना, यानी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है और विकेट टेकर गेंदबाज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आज के मैच में भी 2 विकेट ले गया पहले ओवर में, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है असद महमूद, जिसने आज के दिन में खाली 1 ही ओवर करवाया था, इस टूर्नामेंट में देखे तो 8 मैच में 52 रन 8 ओवर की गेंदबाजी 5 विकेट, यानी 1 से 1 ओवर करवा के दे सकता है आपको हर मैच में, ठीक है, इसको खाली ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है। इसके बाद है सूफियान अली, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 15 रन बनाए, बैटिंग पोजीशन खूब नीचे है, खाली बैटिंग से कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है इंसान यूसुफ जाई, जिसने 6 मैच खेले इस टूर्नामेंट में, 10 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। जो आज का पहला मैच खेला गया था उसमें इसने कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई थी और अच्छी गेंदबाजी करवाई थी, मात्र 9 रन खाए थे इसने, ठीक है, 9 से 10 रन खाए थे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है क्योंकि 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है। और अगर जबर अली खेलेगा तो जबर अली इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिलहाल अपन इरफान यूसुफ जाई को सेलेक्ट बाद में करेंगे, बात करते हैं दूसरी टीम की, ठीक है। इसके बाद था एक प्लेयर था पटेल, जिसने भी 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई जिसमें विकेट लेस गया। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हमने लिख रखे, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं दूसरी टीम की, बालबनीस की, ठीक है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं, 3 मैच इनकी टीम जीती है, 4 मैच हारी है और 1 मैच इनका 9 रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो अच्छी खासी टीम है, इन्हों के भी अच्छे अच्छे प्लेयर, लास्ट मैच जो खेला गया था उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है कोमलन थावलिंगम, जिसने 5 मैच में 28 की एवरेज से 137 रन बनाए, यानी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है इस टूर्नामेंट में और एक अच्छा प्लेयर है और अपन इसको जरूर सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन भी आप देखो तो 50% इसका सिलेक्शन है, ऐसा प्लेयर है कि आप इसको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो, इस प्रकार की बैटिंग करता है, ठीक है।
इसके बाद है नेक्स्ट प्लेयर सीथान शिवम, ठीक है सीथानन शिवम, जिसने 8 मैच में 127 रन बनाया 15 की एवरेज से। सभी मैचों में नहीं चलता है, एक मैच छोड़ के एक मैच में, ज़्यादातर मैचों में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, एक मैच छोड़ के एक मैच चलता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, फिलहाल के लिए अपन इसको बाद में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रेमा गुरु, जिसने 6 मैच में मात्र 36 रन बनाया, नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा है, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं करी है। ओडीआई का रिकॉर्ड है इसका, हमारे पास 3 मैच में 22 की एवरेज से 67 रन बनाया, 14 ओवर की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए। तो इन दोनों में से किसी भी एक प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मनोहरन थायापरन, जिसने 8 मैच में 51 रन बनाया, 15 ओवर की गेंदबाजी करी, 10 विकेट लिए, यानी नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहा है, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है संजीवन कुमारन, जिसने 8 मैच में 86 रन बनाए, 14 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 4 विकेट लिए, 2 ओवरों की कंफर्म गेंदबाजी करवा रहा है इस टूर्नामेंट में, साथ ही बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है इसने, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे अपन। इसका सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन 84% है, आप इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हो T20 का, 4 मैच में 29 रन, 15 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट, ठीक है, इसको आपको पिक करना है। इसके बाद है मोहम्मद बरकजाई, 8 मैच में 64 रन, 8 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट, इसको अपन ट्राई करेंगे फर्स्ट बल्लेबाजी में, ठीक है, जब इसकी बल्लेबाजी के आने के चांस रहेंगे, क्योंकि सेकंड बल्लेबाजी में अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे, सेकंड बल्लेबाजी में बल्लेबाजी की उम्मीद कम है और ओवर ये कन्फर्म नहीं डाल रहा है, ठीक है। 8 ओवर की गेंदबाजी भले ही करी है इसने, लेकिन बल्लेबाजी से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट करा है, इसलिए अगर इसको ट्राई कर लेते हैं अपन, सिलेक्शन भी 74% है, ठीक है। इसके बाद एक KG वित्तू विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा, 8 मैच में 66 रन बना इस टूर्नामेंट में, विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है अनिरुद्धा मौना सिंह, 8 मैच में 14 ओवर 6 विकेट लिए, ठीक है, बॉलिंग बहुत कम बॉलिंग करवा रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन विकेट कम मिल रहा है इसको, ठीक है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद है श्याम वेरु वरुणा कुलुसेराया, 8 मैच में 24 रन बनाए, 11 ओवर की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट लिए, दोनों में से किसी एक बॉलर को आप ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन कंफर्म 2 ओवरों की कौन कराएगा यह फिक्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए अपन अनुराधा को ले लेते हैं, क्योंकि यह एक विकेट टेकर गेंदबाजी और आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। श्याम की बताई दी, 8 मैच में 24 रन, 11 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट। उसके बाद है शिव बाल सुब्रमण्यम, ठीक है, जिसने 3 मैच में मात्र 6 रन बनाए, T20 का रिकॉर्ड, 4 मैच में 53 रन, 26 की एवरेज से, तो कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है इस टूर्नामेंट का। उसके बाद है रामानुजम, 2 मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करिए, 1 विकेट लिया, बैटिंग पोजीशन बहुत नीचे है और बॉलिंग बहुत रियर करवा रहा है, इसलिए अपन ट्राई नहीं करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी को ले लिया, बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं, ये 10 प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके अलावा जो एक प्लेयर बच रहा है उसमें आप इरफान यूसुफ जाई को ट्राई कर सकते हो, एक में मुनावर को ट्राई कर सकते हो, एक में आप एच जथोन अमजद, ऐसे करके टीमों में खिलाड़ी चेंज करते हुए आप रोटेशन चला सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 10 प्लेयर आप कंफर्म डाल दो टीमों में, इसके अलावा जो लास्ट प्लेयर है उसको आप रोटेशन चला के टीमें क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अपन इरफान यूसुफ डाई को डाल लेते हैं, क्योंकि डेमो टीम है, फाइनल टीम तो हमारे टेलीग्राम पर आएगी। इस मैच में कैप्टनसी की बात करें, जाकिर हसन इस मैच में भी, जाहिर हसन भी इस मैच में कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है। इसके अलावा एम थायापरन को भी आप रिस्की टीमों में कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहा है, साथ ही अच्छी खासी बॉलिंग करवा के दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्लेयर है दिवालगम, ठीक है, कोमलन, यह भी आपको अच्छी खासी बैटिंग प्रोवाइड करवाएगा, ओपनिंग में बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है और ज़्यादा अगर मैचों में परफॉर्मेंस करके देगा आपको, तो इसको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। फिलहाल के लिए अपन सेफ जाते हैं, जाहिर हसन को कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन एम थायापरन को या के दिवालिंगम को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। इसके अलावा शाम को गयाना T10 ब्लास्ट शुरू हो गया है कल से, तो उसके भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको उसमें भी एक अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और इस मैच की सारी अपडेट, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।